जो लोग तुम्हारी सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं है उनके बारे में सोचने का क्या फायदा। वही सच्चाई मम्मी पापा को बता दी जो तुमने मुझे बताई थी, और जब मंशा का असली चेहरा उनके सामने आया तो बर्दाश्त नहीं कर सके। विनय को ही बनाऊंगी मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा। मेरा विश्वास टूट गया है मंशा, इंसान पर भी और भगवान पर भी। उस मंशा के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। इस साल हमारे घर में गणपति की स्थापना नहीं होगी। लेकिन क्यों? मंशा तुम अभी तक ऐसी ही बैठी हो, शॉपिंग के लिए नहीं जाना? मैंने गणपति को मना किया इसलिए अभी तक नाराज हूं। विनय, आज मैं अपने घर में होती तो आज का दिन मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी का होता, कितने बड़े त्योहार का होता। माँ, पापा, भैया, भाभी, रिया, उन सब के साथ मैं त्योहार मनाती। विनय, इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके अपने परिवार से होती है। और आज मैं अपने पूरे परिवार के बावजूद भी कितनी अकेली हूँ। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। मंशा, मेरी तरफ देखो, उन सब को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा मन क्या चाहता है? मेरा मन तो यही चाहता है कि इस घर को उस घर से अलग न मानकर उसका एक हिस्सा बनाओ। वही रीति रिवाज, वैसे ही त्योहार मनाओ जैसे वहां मनाते हैं। और इसलिए तुम ये गणपति मनाना चाहते हो? हाँ, और इसलिए भी कि हमारा आने वाला कल हर तरह की परेशानियां और दुखों से दूर रहे। तुम्हें यकीन है कि गणपति हमारे दुखों को दूर कर देगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है उन पर। और विश्वास ही तो ईश्वर है ना। अगर हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? इसलिए तो मैंने मना किया था ये पूजा को। परेशानियां ज्यादा हो तो उसकी शिकायत भगवान से नहीं करनी चाहिए, बल्कि परेशानियां और दुखों को ये कहना चाहिए कि सुनो, एक दिन हमारा भी आएगा जिस दिन तुम सब खत्म हो जाओगे, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मंशा, मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर यकीन करता हूं, अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं। इसीलिए गणपति पूजा तुम्हारे लिए रखने को तैयार हूं। मेरी मंशा की मंशा पूरी होगी। अब चलो, गणपति जी को घर नहीं लाना। हो गए? देखो ना, सबके सब कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां है ना। तो जल्दी से एक चुन लो। वही सोच रही हूँ, कौन सी वाली चुनूं? हाँ, ये मूर्ति। भैया, हमें ये मूर्ति पैक कर दीजिए। क्षमा कीजिए, ये वाली मूर्ति हम आपको नहीं दे सकते। जी क्यों?
हमारी मम्मी जी ने एक मूर्ति बुक करवाई थी खन्ना नाम से। जी हाँ, यही आपकी मूर्ति है। मैडम आप इनसे बात कर लीजिए, शायद ही आपको दे दे। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मैडम वो क्या कि ये वाली मूर्ति इनको पसंद आ गई है। देखिए आप अपना काम कीजिए, ये मूर्ति मैं किसी को नहीं देने वाली। भाभी प्लीज मुझे भी ये मूर्ति। मंशा मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने अपना काम ही बना लिया, मेरा हक छीनना। भाभी ये अब कैसे कैसे रहने दो, तुम कोई और मूर्ति पसंद कर लो। मनपसंद मूर्ति तभी मिलती है जब मन में श्रद्धा सच्ची हो। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद मूर्ति मिलेगी क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा में सच्चाई है। कोई बात नहीं विनय, मूर्ति अपने ही तो घर गई है, मैं कोई और मूर्ति पसंद कर लेती हूँ। क्यों तुम कोई और मूर्ति पसंद क्यों करोगी? तुम्हें वो ही मूर्ति मिलेगी जो तुमने पहले पसंद की थी। तुम घर जाओ, गणपति जी की स्थापना की तैयारी करो, मैं तुम्हें वो ही मूर्ति ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन सुनो, मुहूर्त से पहले आ जाना। आ जाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। इस वक्त घर जाओ और मैं भी चलता हूं। कम मम्मी जी, ये गणपति कितने सुंदर है ना। लेकिन आप जानती हैं, अगर आज मैं वक्त पे ना पहुंचती तो ये यहाँ नहीं होते। क्यों? वो एक्चुअली विनय और मंशा को अपने घर के लिए यही गणपति पसंद आए थे, पर उन्हें तो निराश होना पड़ा क्योंकि इनके प्रति श्रद्धा तो हमारी थी ना। आप जानती हैं, उन्होंने इतनी कोशिश की कि वो ये ले जा सके। मगर विनय गणपति किसके लिए ले जा रहा होगा? मंशा के भैया भाभी तो गणपति रखते नहीं, कहीं विनय अपने घर के लिए, मतलब कि वे लोग मंशा के भैया भाभी के पास नहीं रह रहे। मैं जानती थी विनय को, वो वहाँ कभी नहीं रह सकता था। मम्मी जी मैंने ठीक किया ना? हाँ अगर तुम्हें ठीक लगा तो। कितनी सुंदर है ना ये मूर्ति। अरे रिया भी आ गई। रिया चल सबको बुला ले, मुहूर्त निकल जाएगा। कितने प्यारे गणपति है ना रिया। ये कविता भाभी की चॉइस है। कविता तो इन्हें लेकर आई है, मैंने पसंद किया है। तभी इतने प्यारे हैं। मामा इस घर में आपकी जैसी चॉइस तो किसी और की हो ही नहीं सकती। है रिया, विनय की, विनय और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। कविता जब इन्हें लेने गई थी ना तो विनय और मंशा भी वहीं थे, विनय ने इन्हें ही पसंद किया था। बोलो है ना हम दोनों की चॉइस एक जैसी? नहीं मम्मा, ये चॉइस मंशा की है, मैं जानती हूँ उसे। आई नो। ये लीजिए पंडित जी। लाओ, पूजा की सब तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब तो गणपति जी का आना बाकी रह गया है। मैंने इनको लाने के लिए कहा है, बस आते ही होंगे वो। मम्मी जी ये रिया कुछ ज्यादा ही बोलने लगी आजकल, और आपको भी ये बात करने की क्या जरूरत थी? बेटा सबको पूजा के लिए बुला लो ना। जी मम्मा। मैं जरा देखती हूँ पंडित जी। हाँ। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है यजमान। हाँ। जल्दी कीजिए, मुझे और भी जाना है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जल्दी कीजिए यजमान,
मुझे और यजमान के यहाँ भी जाना है। हे गणपति बाबा, मैंने मन से चाहा है कि आपकी पूजा करूं। अनजाने में मुझसे या विनय से कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। मुझे निराश मत करना बाबा। मात्र 5 मिनट रह गए हैं यजमान। शायद मैं सल गणपति की स्थापना नहीं कर पाऊंगी। तुम स्थापना जरूर कर पाओगी। जाना है ना? हाँ, ये तो वही है ना? बिल्कुल, पूरी बंबई छान मारा उसके बाद ये गणपति मिले। मुझे पूरा यकीन था। मैंने तो बस 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 पूजा का वक्त हो रहा है। इस साल के गणपति हर साल से ज्यादा सुंदर हैं, है ना? हाँ, तुम जो लाई हो। पंडित जी, घर की बड़ी बहू पहली बार ये जिम्मेदारी निभा रही है। आप पूजा मन लगाकर करवाइएगा, ठीक है? ओम सुमखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पटे छिण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्च विघ्नस्तस्य जायते शुक्लाम्बर धर्मदेवं सस्वर चतुर्भुजं प्रसन्न बदनम ध्याये सर्व विघ्नो शांते। आइए भाई साहब, गणपति जी को तिलक करिए। कभी नहीं सोचा था कि इस घर में विनय के बिना गणपति की स्थापना होगी। पापा, चलिए तिलक लगाइए ना। महे प्रिया नाम तो प्रिय पति गुम हुआ महे निधि नाम तो निधि पति गुम हुआ महे वसोम आम जान गर्भम जासी गर्भम अहम गणपति प्रणमामि। चलिए आरती शुरू करते हैं। परिवार के सब लोग आ गए हैं ना? जी पंडित जी, अब और कोई नहीं आने वाला। पंडित जी, हमारी परिवार में अब मेरा मतलब है बस हम दोनों ही हैं। ठीक है, तो आरती आरंभ करते हैं। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। रिद्धि सिद्धि देतवा को विघ्नहारी देवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। बहुत याद आ रही है ना सबकी? नहीं, सिर्फ माँ की। आरती करने के वक्त एक पल के लिए मुझे लगा कि अभी उनकी आवाज आएंगी और वो कहेंगे कि बस विनय, रिया को आरती दो। वो भी तो तुमको कितना याद करती होगी। जय गणेश देवा। माँ, मैं विजय हूँ। लाइए, मैं आरती करती हूँ। जय गणेश देवा। रिद्धि सिद्धि देतवा को विघ्नहारी देवा। मम्मी, ये पापा कहाँ चले गए? वो जरा उनकी तबीयत खराब है ना। मामा, क्यों झूठ बोल रही हैं? सच बताइए ना कि विनय भैया की गैर मौजूदगी पापा से सहन नहीं हो रही। रिया। हाँ मामा, सच बताइए ना कि आप भी विनय भैया को बहुत मिस कर रही हैं।
इसलिए आपने अभी अभी विजय भैया को भी विनय भैया के नाम से पुकारा। रिया, हम लोग पूजा कर रहे हैं, कम से कम इस वक्त तो उसका नाम मत लो। क्यों क्यों ना लो? घर छूटने से रिश्ते नहीं टूटते भाभी। रिश्ते टूट चुके हैं रिया, और उन्हें इस जन्म में अपने किए की सजा तो जरूर मिलेगी। सजा? उन्हें जो सजा मिली वो तो फिर भी कम है भाभी, लेकिन उनके जाने के बाद हम जो भुगत रहे वो बहुत ज्यादा है। माँ बाप से उनका बेटा बिछड़ गया और बहन से उसका भाई। यहाँ किसी को सजा नहीं मिल रही है रिया, और अगर तुम्हें इतना ही प्यार है अपने भाई से तो क्यों नहीं चली गई तुम उसके साथ? कविता, चली जाती भाभी, जरूर चली जाती, लेकिन फिर न्याय नहीं होता। आहा, तो तुम यहाँ न्याय करने के लिए रुकी हो? न्याय तो जरूर होगा भाभी। आओ विनय, हम गणपति जी से शक्ति मांगे कि ऐसे मुश्किल दौर में वो हमारी मदद करें, हमारी भी और उन सबकी भी। हे ईश्वर, हमें खुशियां भी तुमने दी हैं और ये वक्त भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। इतनी हिम्मत देना कि परीक्षा के इस दौर में हम थककर हार न मान ले, हमसे कोई गलत कदम न उठ जाए। अब मैं आपसे क्या मांगू, आप पर तो यकीन ही नहीं रहा। अब जो कुछ भी करना है मैं ही करूंगा। और ये करेंगे इंसाफ, एक दिन ये सबको उनका हक दिलाएंगे, विनय भैया को, मंशा को और आपको भी। रिया, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा ना तो क्या कर लेंगे आप? रिया, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से बात करने का तरीका है ये क्या? एक बात कान खोल के सुन लो तुम, इस घर में विनय को कोई याद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता उसको। यहाँ इस घर के लिए विनय मर चुका है, समझी तुम? माँ, एक शब्द भी नहीं बोलना, जाओ अंदर जाओ यहां से। विनय को उसके परिवार से मिलवाना प्रभु, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। बस इतना जरूर कहूंगा कि मंशा बहुत साफ दिल की है, प्योर है, उसके विश्वास को मत तोड़ना। वो जो भी मांगे उसे दे देना। विनय, मैं चाहती हूं कि एक बार विसर्जन से पहले उस घर के गणपति की पूजा कर पाऊं। बहुत विश्वास करती हो ना गणपति जी पर, देखते हैं कि ये तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करते हैं कि नहीं। विनय मर चुका है, विनय मर चुका है, विनय मर चुका है। मॉम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बहुत प्यार करती हो विनय भैया से, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि विनय भैया तुम्हारे लिए? क्यों कहा मॉम, क्यों कहा तुमने ऐसा? रिया, माँ पापा का ध्यान रखना, माँ तो अपने दुख को अपने आंसू में बहाकर अपना दिल हल्का कर लेगी, लेकिन पापा अपने दुख को दिल में ही दबा कर रखेंगे, मगर अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। रिया, मेरी तरफ से माँ पापा से माफी मांग लेना, शायद किसी दिन उनका दिल मेरे लिए पिघल जाए। मैं क्या करूं मंशा, कैसे संभालूं यहां सबको? आज तो माँ ने भी विनय भैया के लिए, नहीं मंशा, अब नहीं संभलता मुझसे कुछ, अब मैं भी नहीं रहूंगी इस घर में। पत्थरों के बीच रहकर मैं पत्थर बनना नहीं चाहती, मैं भी चली जाऊंगी यहां से, चली जाऊंगी मैं यहां से,
नहीं रहना चाहती मैं इन पत्थरों के बीच, चली जाऊंगी मैं भी।